My name is Martha Degi. उसके बाद मुझे पता चला कि ये केवल भक्ति की भूमि नहीं, ये शक्ति की भी भूमि है, वीरों की भूमि। मुझे यहाँ बताया गया था कि स्टोन माइंस देखने के लिए जाना है। मैं जो इमेजिन कर रही थी स्टोन माइंस कैसा हो, स्टोन को हम यूज करते हैं गांव में, घरों में, शहरों में, अभी तो घर घर में स्टोन का यूटिलाइज होता है। लेकिन जो मैं दूर से देखा, कुदरत को मैंने धन्यवाद दिया। कुदरत का ये ऐसे अनूठा देन है, मनुष्य शायद ऐसे सजा कर नहीं रख पाता। कुदरत ने ऐसे सजा के रखे हैं, देखकर मैं हैरान हो गई। वहाँ कैसे वो स्टोन को निकाला जाता है, कैसे उनको पीस पीस किया जाता है, कैसे वहाँ का लिया कैसे इतने सुंदर है, वहाँ को किस वहाँ कैसे बाद में देखा कि कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है, कैसे फिनिशिंग किया जाता है। और ये बाद में देश विदेशों में यहाँ से जाता है। केवल इतना ही नहीं, मैं भगवान को इसीलिए भी मैंने धन्यवाद दी। मेरे ऊपर से जो मैं आ रही थी, मैंने देखा कि राजस्थान, हम इन्हें इमेजिन कर रहे थे कि पहले कि राजस्थान में पानी का किल्लत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रीनरी खेती मैंने देखा कि नहीं, सब जगह ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे स्थान है जहाँ पानी का किल्लत है, इतना जमीन है और लोगों को कुदरत ने मनुष्यों को धरती में भेजे हैं, लेकिन उनके लिए कुछ इतने अच्छा अच्छा चीजें यहाँ धरती के ऊपर और धरती के अंदर सजा के रखे हैं कि कोई भी मनुष्य से खाली पेट या बेरोजगारी ना हो। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इसे बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारे उद्योग है, जो लोग बहुत अच्छे पढ़ाई की है वो तो बड़ा बड़ा उद्योग में, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन जो बच्चे जो युवा गांव में रहते हैं उनको आप काम देते हैं। भाई साहब को मैं धन्यवाद देना, यहाँ भी मैंने देखा इतने सारे लोग यहाँ के उनको काम मिलता है और अपने परिवार चलाते हैं। ये केवल आप यहाँ उद्योग नहीं, उद्योग के लिए कोटा जो प्रसिद्ध है ऐसे नहीं, उद्योग के बाद यहाँ एजुकेशन के लिए भी कोटा प्रसिद्ध है। ये एजुकेशन हब है, देश विदेशों से लोग बच्चे यहाँ आते हैं, पढ़ाई करते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप केवल उद्योग के प्रति ध्यान नहीं देते, आप शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति भी, लोगों के सामाजिक सोशल वेलफेयर काम भी आप करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व की भी आप लोगों के पास है, ये बहुत बड़ा चीज है। कोटा के स्टोन के बारे में सभी को पता है, मुझे फिजिकली आज पता चला ये बहुत अच्छा स्टोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ का क्वालिटी बहुत अच्छा है। मैं जरूर जाके अपने झारखंड के गवर्नमेंट से जरूर बातें करूंगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जरूर बातें करूंगी कि कोई भी गवर्नमेंट संस्था में, सरकारी संस्था में जो भी स्टोन, यस केवल सरकारी नहीं बेसरकारी संस्था को आज जब जान उनको पता चलेगा कि कोटा का स्टोन सबसे अच्छा है। और जरूर ये देश में प्राइवेट भी प्राइवेट लोग इसको यूज करेंगे, इसीलिए मुझे पता है, लेकिन ये मुझे पता है एसोसिएशन के माध्यम से वहाँ यहाँ का स्टोन वहाँ जा रहा है कि नहीं, मुझे पता है।
ऐसा नहीं, लेकिन प्राइवेट बहुत सारे लोग राजस्थान के लोग वहाँ रहते हैं, ओडिशा में, ओडिशा के रहने वाली हूँ, ओडिशा बहुत सारे यहाँ कोटा से ही जाता है, राजस्थान से, और झारखंड में भी, रांची में भी बहुत सारे ऐसे व्यापारी है, बिजनेसमैन है, जो यहाँ से स्टॉल ले करके वहाँ अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन ऑफिशियली मुझे लगता है आप लोग उसे कनेक्ट होना चाहिए, ऑफिशियली उसको प्रमोट करना चाहिए और उद्योगपतियों को ये उत्साहित करना चाहिए। मैं जानती हूँ कोई भी उद्योग हो या कोई भी व्यापार हो, कोई भी चीज़ हो, ये आसानी से कोई चीज़ ऐसे नहीं होता, थोड़ा आड़स तो है, थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा असुविधाएँ सुविधा तो है। मुझे लगता है जो भी आप परेशान झेल रहे हैं उसको कैसे भी करके ऐसे लोगों से नेगोशिएशन करना चाहिए, बातें करना चाहिए, उसको कैसे उसी हड़ास को, उसी असुविधा को समाधान कर सके। मुझे लगता है एक कोई भी ऐसे हड़ास हो, कोई भी ऐसे असुविधाएं हो, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो, इसको सॉल्व किया जाता है। मुझे लगता है उद्योगपतियों के द्वारा आज भी देश का फाइनेंस, देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो रहा है। आपका हाथ नहीं होता तो आज देश का आर्थिक व्यवस्था जो आगे बढ़ रहा है ये नहीं हो पाता, इसीलिए आपका हाथ देश को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार देने के लिए, हर चीज सामाजिक आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहिए और सुलझाना चाहिए, क्योंकि हर चीज में, हर कदम पे कोई भी काम आप शुरू करें, थोड़ा बहुत तो असुविधा है, उसको कैसे हम समाधान कर सके, मिल बढ़ के बैठ के हम बातें करके उसको सुलझाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप जो मुझे दायित्व दिए हैं मैं जरूर इसको लेकर के झारखंड में मैं बातें करूंगी अपने चीफ मिनिस्टर से, अपने उद्योग मंत्री से, और आपके साथ कैसे रिलेशन बनाए रखे, और कोटा का प्रोडक्ट को, कोटा का स्टोन कैसे वहाँ यूज करें करें, और आप लोगों के साथ कैसे संपर्क बनाए रखें, इसी दिशा में जरूर मैं प्रयास करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों के मुझे मान लिए, सम्मान दिए, मुझे भी बहुत ऐसे फिर भी प्रोग्राम है इसके बाद भी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे बहुत सारा मुझे चीज़ें यहाँ सीखने को मिला, देखने को मिला, बहुत चीज़ें यहाँ देखने के लिए है। मैं ऐसे अनऑफिशियली बहुत बार आई हूँ, लेकिन ऑफिशियली ये मेरा फर्स्ट विजिट है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, आप इसी तरह आपके उद्योग को जारी रखें, इसी तरह मिल बढ़ के आप लोगों को सहयोग कीजिए। सहयोग करना ही मनुष्य, ये तो जिंदगी जीने के लिए जो बहुत सारे चीज़ें आपके हैं, लेकिन लोगों को सहयोग के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों का जो है वो सबसे आता है। आप लोगों को मदद करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा बहुत सारी चीज़ें आप देते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय जय राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद।